कैसा महसूस कर रही है जेल के अंदर, इतना वक्त गुजारा आपने 14 महीने लगभग, अब बाहर आके कैसा महसूस कर रही है, आजाद घूमते? अभी मैं सोची इन लोगों ने कैसे गुजारा किया बाहर, यहाँ तो हर चीज़ के लिए ही आपको जवाब देना पड़ा है। मैं 14 महीने अपनी फैमिली के साथ नहीं थी, अभी फाइनली मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, मगर इसके बावजूद बहुत सारे शिकवे हैं लोगों को, जो ठीक है जायज़ भी हैं, उनके बनते हैं, वो हमसे उम्मीदें उनको बहुत हैं, पर हमें, मैं यही कहूँगी कि फिर हमारे लिए थोड़े दिल बड़े करें। हमने बहुत मुश्किल टाइम देखा है, आप सबने भी देखा है जो बाहर हैं, पर हम सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, खान साहब जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ने हैं चांसलर के लिए, क्या कहेंगे? तो पहले भी जेल में बैठ के 8 फरवरी का इलेक्शन जीता है उन्होंने, तो वो भी जीत जाएंगे। नहीं, वहाँ नहीं होगी वो, ये पाकिस्तान में ही होता है। हमारे तो 14 महीने जेल में रही, मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपने बर्दाश्त किया जेल में? जी, हमने जब अभी भी जब मुझे इस्लामाबाद पुलिस ने 2 दफ़ा 2 दिन 3 दिन में गिरफ्तार किया, तो मैं वहाँ कुछ भी नहीं खाती थी, मैं भूखड़ दाल पड़ी थी। अच्छा, हालात भी आप देख रही हैं, उसके अलावा उसको देखते हुए खान साहब की रिहाई कब तक देख रही हैं आप? देखिए, अदालतों को थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। ये कहते हैं कि जी चलान 9 मई के नहीं आ रहे, और ये हम तो हुकूमत में नहीं है ना, आप हुकूमत में लाए ना, आपने जानबूझ के हमें छोटी अदालतों में रखा हुआ है, क्योंकि उनको आप मैनेज कर सकते हैं। आप खुद जानबूझ के हाई कोर्ट्स में नहीं आ रहे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे केस उड़ जाएंगे सारे, जैसे बने हमें उड़ जाएंगे। मेरा केस लाहौर हाई कोर्ट गया, वहाँ से उड़ गया, इस्लामाबाद आया, वहाँ पे खुद ही विड्रॉ कर गए। ये इनको खुद भी पता है कि अगर ये केस किसी बड़ी अदालतों में आए तो नहीं रहेंगे, इसलिए खुद हमें जानबूझ के छोटी अदालतों में रखा हुआ है इन्होंने। तो अभी आप कहते हैं कि जी वो पॉपुलर ही नहीं है, अगर वो पॉपुलर नहीं है तो फिर उसको आने देना जेल से बाहर, डर किस बात का? आपको इसी बात का डर है कि जिस दिन उसने जेल से बाहर पाँव रखा उस दिन आप सबकी हुकूमतें जाएंगी। अच्छा, मरियम नवाज इस वक्त जो है काफी तरक्याती काम भी करवा रही है, वीडियो शीडियो भी बन रही है, क्या कहेंगे? नहीं, वो वीडियोस पे करवा रही है ना, सिर्फ ग्राउंड पे तो नहीं ना हो रहा। अभी मैं एक दिन में 100 मंसूबे बना के ले आया हूँ कंप्यूटर पे, मैं कहूँ ये देखिए स्पीकर साहब, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी करना, मैंने ये भी करना, मैंने ये भी करना है। तो वो जब आपने करना है वो तब करना है जब हो, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, मम्मी देखो मैंने गेम में ये स्कोर किया, मैंने ये स्कोर किया, इस तरह तो नहीं ना होता। अभी सीएम है कुछ तो, चलो फिर मैं कहती हूँ तो वो कहती बातें लगाती है, अगर आपको एज का अपना नहीं भी ख्याल हो तो वो देखा होना चाहिए, बस बच्चों की तरह स्पीकर साहब वो देखे मैंने ये किया। अभी आपने नहीं किया, अभी आपने सिर्फ उसके आप बना के लेके आई है, कंप्यूटर पे तो बनी ना करना, ग्राउंड पे कर लेना, फिर देखते हैं। अच्छा, आपको कहा गया कि आपने गैर इखलाकी बातें नहीं करनी मरियम नवाज या कोई और हो, मैं पहले भी गैर इखलाकी नहीं करती थी, लेकिन लोगों को गैर इखलाकी लग जाती थी। जब आपकी मर्जी के मुताबिक बातें नहीं होती तो आपको गैर इखलाकी लग जाती है। किसी को चुप करवाने का ये बहुत आसान तरीका है कि आपने गैर इखलाकी बातें, भाई अगर मैंने तो कोई बात नहीं की, कोर्ट में जो मेरी वीडियो चलाते थे वो कहते थे, ये कहती है जी हमारे टैक्स के पैसे तनख्वाह लेते हैं, तो हर सरकारी मुलाजिम आवाम के टैक्स के पैसे से ही तनख्वाह लेता है ना, तभी तो वो पब्लिक सर्वेंट है ना, क्योंकि वो हमारे टैक्स पैसे से तनख्वाह ले रहा है, इसमें गैर इखलाकी क्या बात है। ये वीडियो जो वो चलाते थे, मरियम नवाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उनको कहूंगी कि भाई आप दूसरों को टिकटॉक कर गया कि आपकी पूरी पार्टी झेड़ती है, भाई तो आप भी टिकटॉक से बाहर निकले, ये लैपटॉप से बाहर निकले, ग्राउंड पे काम करके दिखा। अच्छा, पूरी उनके साथ मशीनरी होती है टिकटॉक बनाने के लिए, क्या कहेंगे? और फिर वो दूसरों को बातें लगाते हैं, ऑडेसिटी तो मैं उस पर हैरान होती हूँ कि आप खुद सारा दिन यही काम करते हैं, आप सारा दिन टिकटॉक पर चलती हैं और फिर आपके लोग बातें करते हैं कि वो देखें जी इनकी पार्टी टिकटॉक और ये वो, आप खुद भी यही कर रही हैं, बाहर निकले, हालात देखें मुल्क के, आपको असलियत नजर आएगी। आप आइंदा टिकटॉक बनाएंगी आप भी खुद भी या यू नो के मुकाबले? मैं तो पहले भी अपने इंटरव्यू से लगाती थी टिकटॉक बनाती कब थी मैं पहले भी। आपको गिरफ्तार क्यों किया गया था? मैं फेवरेट हूँ। सबकी मैं सबकी फेवरेट हूँ, मेरे से किसी एक को शिकवे नहीं, बहुत सारे लोगों को है। देखिए मैं शुक्रिया अदलिया का अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने स्टैंड फाइनली लिया है, जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं इनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जब उस दिन कोर्ट गई थी तो मैंने जज साहब से भी कहा था कि इद्दत केस जैसा गलीज केस जो है ना, इस पर हम सब औरतों की जो डिग्निटी है ना उस स्टेक पे थी, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने उसमें हमारे बीबी के हक में फैसला दिया, ये हर औरत के हक में फैसला है। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इंसाफ किया, मैंने कहा जी इंसाफ करना कौन सा आसान है, जब हम गुजरांवाला केस में अरेस्ट हुए तो हम सोचते थे इस केस का तो ट्रायल भी हो गया हुआ है, सजाएं हो गई हैं, तो अब हमें इसमें कैसे डालेंगे, मगर हमारे 20-20 दिन के फिजिकल रिमांड हुए हैं उसमें, तो यहाँ कुछ भी चल रहा है, तो हिम्मत करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ सारी हाई कोर्ट्स की कि उन्होंने हिम्मत करके हमारे हक में फैसले दिए हैं, आगे भी अगर वो खान साहब के हक में भी वो इंसाफ कर सके, इंसाफ के साथ खड़े हो सके तो बहुत मेहरबानी होगी।